दोस्तों, राहुल गांधी के इस मैसेज को गौर से सुनिए और कम से कम अपने जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार कम से कम 5 आदमियों को ये मैसेज ज़रूर सेंड करिए ताकि ये मैसेज देश के कोने कोने तक पहुँच जाए। गौर से लास्ट तक सुनिए। हमारे प्यारे कार्यकर्ता नमस्कार, आप हमारी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हो। मैंने सोचा कि चुनाव का समय है, थोड़ी सी मैं आपसे डायरेक्ट बात कर। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे बब्बर शेर है उनका सेंट्रल रोल है, क्योंकि ये विचारधारा आपके खून के अंदर है, आपके डीएनए में है, आपकी हर सोच में हर काम में ये आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की सोच भरी हुई है। हमने आपको एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बेहतरीन मैनिफेस्टो, पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। इसमें हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी गारंटी, हर गरीब परिवार में एक महिला को साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए, राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को गारंटी करके 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे और बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। और ये अप्रेंटिसशिप हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी और सरकारी ऑफिसेज में होगी। किसानों के लिए हमने गारंटीड लीगल एमएसपी बनाई है और उनका कर्जा माफ करेंगे। मजदूरों के लिए 400 रुपए की मिनिमम वेज होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है सरकारी ऑफिसेज में और पीएसयूज में, इसको हम खत्म करेंगे। 30 लाख सरकारी रोजगार हम हिंदुस्तान के युवाओं को देने जा रहे हैं। तो ये हमारे गारंटीज हैं। अग्निवीर को हम खत्म कर रहे हैं, जीएसटी को हम फाइन ट्यून करेंगे, एक जीएसटी होगी, अलग अलग 5 जीएसटी नहीं होंगी और कम से कम जीएसटी। इससे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। तो हमने सब की बात सुनकर एक मैनिफेस्टो बनाया है, इसके बारे में आप देश की जनता को बताइए और देश की जनता को बताइए कि बीजेपी हिंदुस्तान पर आक्रमण कर रहा है, आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अब वक्त आ गया है बदलाव का। इस मैसेज को हर किसी तक पहुंचाइए और फिर देखिए इंडिया की तकदीर में क्या लिखा है।